सो गाइस, ये है फोर्थ पेड सर्विसिंग का बिल और अभी आपको दिखाता हूँ कितना बिल आया है, होंडा वालों ने कितना चार्ज किया है मुझे। हे गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, अगर आपकी स्कूटी की फर्स्ट 3 फ्री सर्विसिंग हो चुकी है और फोर्थ सर्विसिंग के लिए आप अपनी स्कूटी देने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो अपनी ग्राजिया BS6 की फोर्थ सर्विसिंग हो चुकी है और सर्विसिंग के बाद लुक कुछ ऐसा आ रहा है अभी। तो गाइस, फोर्थ सर्विसिंग में इंजन ऑयल चेंज हुआ है और वेल्व क्लीनिंग, स्टेनर क्लीनिंग, क्लच ओवर हाउलिंग और भी दो तीन चीज़ों का और काम हो चुका है। और इनके साथ ही मैंने सर्विसिंग वालों को एक प्रॉब्लम बताई थी मेरी, मतलब रियर गार्ड जो है वो लूज़ हो चुका है और बाकी सर्विसिंग तो बहुत अच्छी की है, लेकिन जो रियर गार्ड है वो उसका स्क्रू लूज़ हो चुका है और मैंने उनको फिटिंग करने के लिए बोला था। तो गाइस, जब मैं गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए गया, मतलब सर्विसिंग होने के बाद उनका मुझे कॉल आया था कि आपकी गाड़ी का सर्विसिंग हो चुका है, तो मैंने देखा तो उन्होंने वो काम नहीं किया था, रियर गार्ड अभी भी हिल रहा है। ये देखो, ये स्क्रू लूज़ हो चुका है, उनको फिटिंग करने के लिए बोला था लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो मैंने पूछने पर वो बोले कि इसका कुछ हो नहीं सकता और देखो ऐसे हिल रहा है अभी भी, वो बोले इसका कुछ नहीं कर सकते हम। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगी, क्योंकि तो इन्होंने इतना चार्ज किया है मुझे फोर्थ सर्विसिंग का, उसके बाद भी अगर ये काम नहीं कर रहे इतना सा, तो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ मुझे फोर्थ सर्विसिंग का कितना खर्चा आया है और होंडा वालों ने कितना चार्ज किया है मुझे, अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये अपना थर्ड सर्विसिंग का बिल है, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो थर्ड सर्विसिंग का बिल, और थर्ड सर्विसिंग 780 रुपीज़ लगे थे और वो फोर्थ सर्विसिंग मुझे 12,000 किलोमीटर होने के बाद करने के लिए बोला था, लेकिन मैंने 7,000 के ऊपर होते ही फोर्थ सर्विसिंग के लिए गाड़ी दे दी। तो देखो फोर्थ सर्विसिंग में क्या क्या काम हुआ है, जो कि पेड सर्विस है। इंजन ऑयल और AMC बुक लेना पड़ा मुझे, उन्होंने कहा आपको AMC बुक भी लेना पड़ेगा। और देखो ये सब काम हुआ है मेरे गाड़ी में और इतना बिल आया है मुझे 3,200 and something। तो गाइस, उन्होंने फोर्थ सर्विसिंग होने के बाद फिफ्थ सर्विसिंग मुझे 10,000 के ऊपर किलोमीटर चलाने के बाद आने के लिए बोला है। और ये AMC बुक एनुअल मेंटेनेंस,
कॉन्ट्रैक्ट, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये 1000 और इस पर भी जीएसटी लगाया उन्होंने 178 रुपीज़, तो 1200 का मुझे पड़ा है। इसका यूज़ करने पर मुझे लेबर चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने मुझे बोला है। तो गाइस इतना फोर्थ सर्विसिंग का मुझे इतना बिल आया है, लेकिन उन्होंने रियर गार्ड फिटिंग करके नहीं दिया है। तो बस यही बताना चाहता था मैं इस वीडियो में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो में।